नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित खैर पर्वत पर, जहाँ के लिए कि परियों का देश भी कहा जाता है। हमारा यहाँ जाने का मेन पर्पज़ यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर परियाँ रहती है। और इस वीडियो मेरे साथ है मेरा छोटा भाई हिमांशु। हाय गाइस, इसका नाम है हिमांशु, जो कि आज की इस वीडियो में मेरे साथ है। उसके बाद हम टिहरी के ढूंगीधार से अपने खैर पर्वत के दर्शन के लिए निकल पड़े। टिहरी के सुंदर वातावरण से सबसे पहले हम पहुंचे बीपुरम, जहां से टिहरी बांध दिखता है, जो कि स्वयं में टिहरी जिले की सुंदरता को और निखार देता है। टिहरी बांध परियोजना और टिहरी बांध निर्माण का कार्य 1978 में शुरू हो गया था। आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण इसका निर्माण कार्य 2006 में पूरा हुआ। इसे मुख्यतः बिजली निर्माण और जल आपूर्ति के लिए बनाया गया है। ये बांध भागीरथी और बिलंगना नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा बांध बनाती है। टिहरी बांध क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे टिपरी, जहां से जाखणीधार ब्लॉक शुरू हो जाता है। टिपरी अपने टिपरी से मदन नेगी रोपवे के लिए प्रसिद्ध है, जहां से कि लोग तो आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पे रोडों की काफ़ी गंदी हालत। और हम जस्ट पहुँचने वाले पिपर डाली, वो बेटे यहाँ पे देख क्या हो रखा है ये। अबे यार आराम से है। कितना गंदा हो रखा बैंक, उसमें टायर और कुछ नहीं है, टायर फिसलते उसमें। और यहीं से लगती है आगे के लिए श्रीनगर की रोड। मुझे तो डर लग रही इसको देख के। अबे पकड़ पकड़ जल्दी पकड़। ये भाग। और ये हमारा दोस्त, हमें देख के ही भाग। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पिपर लाली में, और पिपर लाली का पुल ये रहा हमारे पीछे, और साथ में हमारा दोस्त भी है एक। यहाँ जाना है हमें अभी। और ये हमारा राइडर भाई हिमांशु। चले चलो। पिपरलाली मार्केट के आगे जाने के बाद हमें दिखा एक साइन बोर्ड, प्रसिद्ध खैर पर्वत परियों का देश, पिपरलाली से 30 किलोमीटर दूर। उसके बाद आगे चलकर हमें दिखा पिपरलाली झूला पुल। ये पुल 2007 में बना था। ये वन लेन पुल है, इसमें 5 टन से ज़्यादा भारी वाहन अलाउड नहीं है, और इसकी ऊंचाई है 155 मीटर।
बाबा जी नमस्ते। जय। कैसे हो बाबा जी? अच्छे। ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक। और ऊपर की तरफ ये मुख्य मंदिर, यहाँ पे बन रखे चौकोर शरीर, ये है यहाँ पर मुख्य मंदिर। इसके आगे ये दो शेर है, यहीं से दिख रहे नीचे भागीरथी नदी और साथ में भगवान शंकर की एक बड़ी प्रतिमा और ये मुख्य मंदिर। और ये है माँ खैट की आचरी की मुख्य प्रतिमा। दोस्तों, खैट पर्वत पर थात गांव से भी आया जाता है, बट हम भटवाड़ा गांव से होते हुए आए। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत को गुंबदाकार पर्वत या खैट पर्वत भी कहा जाता है। खैट पर्वत के स्थानीय गांव वालों का मानना है कि इस पर्वत पर परियां रहती है, जो कि इनको आचरियां या वन देवियां कहते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं खैट पर्वत में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे शिव भगवान की मूर्ति और खैट पर्वत मंदिर, और आज के दिन हम इसी मंदिर में रहेंगे। तो अब हम करेंगे अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठी, क्योंकि खाना भी बनाना है, साथ ही यहाँ रहने की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ लगभग 2-3 कमरे हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो वो रह सकता है इधर। और आजकल यहाँ पर एक बाबा जी भी है, बाबा जी से भी मिलाएंगे आपको। जून और जुलाई महीने में इस पर्वत पर स्थानीय गांवों द्वारा मेला या जागरण कराया जाता है। इस पर्वत पर कई बार परियां देखे जाने का दावा मिलता है। यहां पर कई लोक कथाएं प्रचलित है, जिनके आधार पर यहां के लोग कहते हैं कि यहां परियां रहती है। यहां पर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और पैरानॉर्मल सोसाइटी दिल्ली द्वारा इस मंदिर पर कई शोध हुए हैं, जिनमें यह पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता कि यहाँ परियाँ रहती है। एक रात खैट पर्वत पर रुकने के बाद हमें पता चला कि यहाँ सिर्फ एक धार्मिक स्थान है, जिसको कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। यह एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, जिसे कि ग्रामीण लोगों का भ्रम कहीं या कुछ और, पर यहाँ पर परियों जैसा कुछ नहीं है। और सुबह की पहली धूप के साथ हमें दिखे खैट पर्वत के मनमोहक दृश्य, और उसके बाद हमने बाबा जी के साथ चाय और ब्रेकफास्ट किया। अमीलहबाद से आया हूँ, करेली थाना पड़ते हैं, गांव सईदपुर पड़ते हैं, बरखंडी महादेव का स्थान पर रहता हूँ। नाम मेरा रामजी दास है और मैं खेत पर्वत पर माता दुर्गा और परी माता का स्थान पर आया हूँ। और 21 रोज की मैं यहाँ सेवा में उपस्थित हूँ, और माता रानी की सेवा जो बनता है वो करता हूँ, और 21 रोज की साधना कर करके माता जी के यहाँ से आशीर्वाद। तो दोस्तों, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, धन्यवाद।